सामाजिक नियमों के तहत महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या करने की अनुमति नहीं होती है। जैसे हम बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से हम टीचर्सों से, अपने लेडीज टीचर से, मेल टीचर से कंधे मिला के बात कर सकते हैं, लेकिन वो अनुमति किसी लड़की के लिए नहीं है। लड़कियों को तो स्कूल जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, लड़के हर जगह जा सकते हैं, जबकि ये सोचना चाहिए पेरेंट्स को कि लड़के भी इज्जत को ख़राब कर सकते हैं, सिर्फ लड़कियां ही नहीं। लड़कियों की हर एक कमी को देखते हैं लेकिन लड़कों की बिल्कुल नहीं देखते कि लड़के क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लड़के घर का काम नहीं करती, लड़कियों को बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आदि काम होते हैं, लड़के कुछ भी नहीं करते, बस दुकान जाते हैं और घर आ जाते हैं वापस। स्कूल से आने के बाद हमारा जो जी चाहे हम घूमने जा सकते हैं, मार्केट घूम सकते हैं, कहीं पर टहलने जा सकते हैं, लेकिन हमारी बहन वो यहीं पर घर पे रोटियां बनाएंगी, ये समाज के नियम हैं। नहीं, लड़कियां स्कूल जाती हैं तो कोई रास्ते में कुछ कहता है तो घर वाले पढ़ाई से छुड़वा देते हैं और कहते हैं कि तुम आगे पढ़ाई ना करोगी और घर में बैठी रहना। महिलाएं सब कुछ कर सकती है अगर समाज अपनी सोच को बदले तो, वरना अगर महिला नहीं कर सकती तो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन कर सकती तो बहुत कुछ कर सकती है। आपके घर में भेदभाव है? नहीं, पर हमें शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने देते, पापा जींस पहनने से मना करते हैं और अम्मा कैफी टी शर्ट भी नहीं पहनने देती। क्या कहती हैं वो? कि आजकल का जमाना नहीं है लड़कियों को शॉर्ट कपड़े पहनने का। जब वो आपको मना करते तो क्या लगता है आपको? कि हम भी आराम से पहने, कोई कुछ नहीं। मेरी यही सोच है कि लड़कियों को हर कदम पे आगे होना चाहिए और हर कहीं भी उन्हें जाने आने की इजाजत होनी चाहिए, लड़कों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है।